अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट में खलबली मची है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। इस दौरान शिंदे ने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है। शिंदे ने कहा कि शरद पवार की पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब उनका आकार छोटा हो गया है और वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद ऐसी अटकलें थी कि एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर खबरें इतनी तेज उड़ी कि उनके गुट के नेताओं को सफाई देने आगे आना पड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर मीटिंग हुई। भविष्य में विधायकों सांसदों एमएलसी को लेकर क्या करना चाहिए, विकास कार्य कैसे करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, इसे लेकर चर्चा हुई। हमारे विधायकों में अजीत पवार को लेकर कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। हम सभी को एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। उनके इस्तीफे की जानकारी अफवाह है। वही महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने स्पष्ट किया कि सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास 200 से अधिक विधायकों का समर्थन है। कोई भी नेता नाखुश नहीं है और सभी को एकनाथ शिंदे नेतृत्व पर भरोसा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी वजह से शिंदे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होने वाले अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और नागपुर जाने के बजाय मुंबई में ही डेरा डाले रहे। रात में उन्होंने अपने बंगले पर अपने समर्थक विधायकों की बैठक ली, जिसमें विधायकों ने शिंदे को इस बारे में खरी खोटी सुनाए जाने की खबर थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।